हेलो फ्रेंड्स, मैं विनयजन विजिलेंस। आज हम अमिताभ कांत के बारे में जानेंगे। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है उसके ये शेरपा नियुक्त किए गए। आपको मालूम होगा इसके पहले भारत के जो शेरपा थे वो पीयूष गोयल थे। अमिताभ कांत की खास बात यह है कि ये 1980 बैच के केरल कैडर के IAS। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही हैं? तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में अगर हम देखें तो ये नीति आयोग के दूसरे CEO रहे। पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे, DIPP के ये सचिव रहे हैं और इन्होंने एक योजना का प्रारूप तैयार किया था जिसका नाम है आकांक्षी जिला अभिक्रम योजना। आप जानते हैं ये योजना अभी भी संचालित की जा रही है। ये कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है जिसमें इनकी एक रचना है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। दूसरी इनकी जो रचना है वो है सिनर्जीज फॉर ग्रोथ एंड गवर्नेंस। तीसरी इनकी जो रचना है वो ब्रांडिंग इंडिया आ इनक्रेडिबल स्टोरी। और इनकी जो चौथी रचना है द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया। तो अमिताभ कांत की ये जो चार पुस्तकें हैं इनके बारे में जो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन फैक्ट्स पर आप जरूर ध्यान दें। थैंक यू सो मच।